रही है आपको, तो बहुत अच्छी रचना रही आपकी। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मेरी प्यारी मेरी सखी प्यारी दीपा सखी दीपा पंत को, जो बहुत पंत को जो सर से चेहरे से हर, से चेहरे से मेरी मेरी आवाज रिपीट हो रही है, आवाज किसी का रिपीट हो रही है, मोबाइल किसी का फोन ऑन है? है, हो हो रही रही है, है थोड़ी थोड़ी इको इको हो हो रही रही है, है, थोड़ी इको हो इको हो रही है, रही है। किसी नहीं, को हो रही, मोबाइल किसी किसी का का ऑन मोबाइल है, किसी बंद कर का ऑन दीजिए। है। हाँ, तो बड़े ही आदर सम्मान के साथ आपको बुलाना चाहती हूँ। मैं पहले आपका परिचय पढ़ना चाहती हूँ कि आप कितने। दीपा जी और अनिता जी, जब जी दीपा जी बोलेंगी तब आपको माइक बंद रखना पड़ेगा और आप बोलेंगी तब दीपा जी को माइक। ओके सर। तो दीपा जी, आपका साहित्यिक उपनाम शीतल है, और आप इनके व्यवहार से भी बड़ी कूल कूल शीतल, एकदम इनके पास जाओ तो शीतलता का एहसास हो जाता है। और आपने एमए संस्कृत और अंग्रेजी में एमए किया हुआ है, बीएड किया हुआ है। आप आकाशवाणी बीकानेर द्वारा आकस्मिक उद्घोषक के रूप में चयनित हुई है, और एनिमल वेलफेयर, तो इनका हस्ताक्षर वो काम है, तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया चेन्नई से आप एनिमल फीडर एंड केयर टेकर के रूप में चयनित हुई है। कई साहित्यिक रचनाओं, कविताओं तथा संगीत एल्बम के लिए आप निशुल्क अपने स्वर देती हैं, गायन दिया है आपने, वाचन द्वारा योगदान दिया है। और आप अध्यापन क्षेत्र में है, लेखन के क्षेत्र में है, और पशु सेवा इनका एक लक्ष्य है जीवन का। और सामाजिक गतिविधि में आप पशु चिकित्सा व उनके लिए सेवा कार्य, भूखे बीमार पशुओं को नित्य भोजन करवाना तथा उन्हें उनकी जरूरत के अनुसार सड़क पर ही चिकित्सा देना, पशुओं के लिए जागरूकता। ये मैं इतना इसलिए पढ़ रही हूँ, ये कोई जरूरी नहीं है मैं इतना इनका पढ़ूं, लेकिन हो सकता है इससे कोई भी एक जना भी प्रेरित हो जाएगा, किसी एक जीव की भी सुरक्षा हो जाती है, तो मेरे लिए ये पढ़ना सार्थक हो जाएगा। तो पशुओं के लिए लोगों को जागरूकता लाने के लिए आपने विशेष अभियान चलाया, और लोगों को चिकित्सा एंड देखभाल संबंधित जानकारी देती हैं आप। आपका एक ब्लॉग भी है, मी एंड माय इनोसेंट स्ट्रीट फ्रेंड्स, मी एंड माय इनोसेंट फेसबुक पर पेज है, जिस पर पशुओं से संबंधित प्रश्नों का समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, मैं उनके बारे में चलो फिर भी नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि बहुत सम्मान इनको मिले हैं। कुछ तो हमने उदयपुर में देखे हैं, और कुछ इनको इनको एफएम की तरफ से, उत्तराखंड की आप रहने वाली हैं, एक तो इनकी यात्रा कूल कूल शुरू होती है उत्तराखंड से उदयपुर, तो वहां की शीतलता थोड़ी थोड़ी, उत्तराखंड की जो बर्फीली वादियां हैं उनकी शीतलता यहाँ भी हमारे पास आ रही है। तो बहुत सारे इनाम का इनका लंबा है, उनको मैं छोड़ देती हूँ। और पिता की पाती संतान के नाम पर एक राष्ट्रीय स्तर की पत्र लेखन प्रतियोगिता जो हुई थी, ये विशेष उल्लेखनीय है कि पहली बार जब उदयपुर पत्र लेखन प्रतियोगिता भी मैंने पहली बार सुनी, तब दीपा जी का उसमें इन्होंने स्थान प्राप्त किया था, 11 स्थान 11 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उत्तराखंड समाज उदयपुर द्वारा भी आप सम्मानित है। और भी मैं सम्मान छोड़ देती हूँ, पशुओं के लिए थोड़ा बहुत काम ये बचपन से ही शुरू कर बचपन से ही करती आ रही थी, और अभी इन्होंने 2004 में सरकारी सेवा में आने के बाद अपना, मैं अपने मन से जोड़ रही हूँ कि अपने ये पेमेंट का कुछ हिस्सा हमेशा पशुओं के, या मुझे कह दो डेली डेली के जो पेमेंट का कुछ हिस्सा ये पशुओं में वितरित करती हैं। इनको देख के बहुत प्रेरणा मिलती है, हालांकि मैं ऐसे वीडियो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ मैं भी करने लगी हूँ, कि ये आपकी प्रेरणा का असर है। किसी जीव का अगर हो जाता है तो ये मेरे लिए अच्छा, मुझे अच्छा लगता है ये करके। और बहुत लंबा चौड़ा परिचय है, मैं इतना नहीं दूंगी। और अब आपका मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि इनकी दंत पंक्ति पंक्ति मुस्कान को देख के लगता है कि हर दिन दिवाली हो। इनकी हमेशा सुंदर सी दंत पंक्ति मुझे बहुत पसंद आती है, और इनकी कविता गीत ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई दिए से दिया जला रहा हो। इनकी रचनाओं में गहराई है, व्यंजना है, समसामयिक लेखन है। जब भी अपने मधुर खनकती आवाज में जब ये गाती हैं, तो बसंत और बहार और ऋतु सब गुनगुनाने लगते हैं। ये मेरे अशआर है, और इनकी चार पंक्तियां कि किसी निरीह पशु की मासूम आवाज बना देना, किसी निरीह पशु की मासूम आवाज बना देना, वह देखे मुझे अपना समझकर ऐसा मेरा अंदाज बना देना। ख्वाहिश नहीं कि आसमां को बाहों में भर पाऊं, ख्वाहिश नहीं कि आसमां को बाहों में भर पाऊं, बस मुझे किसी प्यारे परिंदे की परवाज बना देना, मुझे किसी प्यारे परिंदे की परवाज बना देना। बहुत सुंदर आपके भाव, और आपका बहुत बहुत अंतस की गहराइयों से स्वागत करती हूँ कि आप आए और अपनी और रचनाओं से अपनी हमें रचनाओं रूबरू से हमें करवाएं। रूबरू।
बहुत धन्यवाद और आभार अनीता दीदी आपका, आपने मेरा इतना लंबा परिचय दे दिया है कि जब भी मन लंबा लगा था तो लंबा इसके बोझ तले मैं दबती जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीणा पाणि माँ शारदे को नमन करती हूँ और वाणी माँ भारती साहित्य साधिकाओं का हिंदी रचना पर्व जो हम मना रहे हैं, उनके अध्यक्ष महोदय श्रीमान हरीश नवल जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नीलम वर्मा जी सहित पूरी की पूरी टीम जो ऑन स्टेज और बैक स्टेज इस प्रोग्राम को इस रूप में हम सब तक पहुंचाने के लिए अपना अप्रतिम योगदान दे रही है, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और अनीता दीदी जो आज के कार्यक्रम की सूत्रधार हैं और जिन्होंने हम सभी को इतनी खूबसूरती से, इतनी देर से और सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है, अनीता दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शुक्रिया। और मुझे अपना अमूल्य समय दे करके देख रहे सभी जनों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हमारी सभी कवित्री कलमकारों को मैं प्रणाम करती हूँ इन पंक्तियों के साथ कि आज सब कुछ बस गीत और कविता में ही कहना चाहती हूँ, आज सब कुछ बस गीत और कविता में ही कहना चाहती हूँ। और अनेक पावन नदियों का हो रहा है संगम जहाँ, अनेक पावन नदियों का हो रहा है संगम जहाँ, वहाँ एक शीतल धार बनकर बहना चाहती हूँ, एक शीतल धार बनकर बहना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं वीणा पाणि माँ सरस्वती को समर्पित दो पंक्तियां प्रस्तुत करूंगी। स्वागत स्वागत है। है, धन्यवाद। वाणी को वर दे, तिमिर को हर ले। वाणी को वर दे, तिमिर को हर ले। ज्ञान प्रकाशिनी शारदे माँ, शारदे माँ हो, शब्दों में बस कर काव्य सृजन कर। शब्दों में बस कर काव्य सृजन कर, बुद्धि प्रदायिनी रागिनी माँ, रागिनी माँ हो। वाणी को वर दे, तिमिर को हर ले। ज्ञान प्रकाशिनी शारदे माँ। और इसके बाद में दो दो पंक्तियां मैं मेरे माता और पिताजी को समर्पित करना चाहती हूँ, बिल्कुल इन शब्दों स्वागत के है। साथ कि इन पलों को कौन खोना चाहता है, इन पलों को कौन खोना चाहता है, कौन माता पिता के सामने बच्चे से बड़ा होना चाहता है, कौन माता पिता के सामने बच्चे से बड़ा होना चाहता है। तो पहली पंक्तियां, दो जो पंक्तियां हैं मेरी माँ को समर्पित। मेरे होठों की मुस्कान तुमसे ही माँ, मेरे होठों की मुस्कान तुमसे ही माँ। मेरा नाम और सम्मान तुमसे ही माँ। मेरा गिर के संभलना दुआ है तेरी। मैं जो थी जो भी हूँ सिर्फ तुमसे ही माँ। मैं जो थी जो भी हूँ सिर्फ तुमसे ही माँ। इसके पश्चात दो पंक्तियां मेरे पिताजी को समर्पित। मेरे पिताजी जो अब देहिक रूप से हमारे साथ नहीं है, परंतु अपने आशीर्वाद और संस्कार रूप में वो सदा से मेरे साथ ही हैं। दीप में ज्योत बन संग पिता आप हो। दीप में ज्योत बन संग पिता आप हो। मेरे बचपन की हर याद में साथ हो। मेरे बचपन की हर याद में साथ हो। मेरी रचना के भावों में बसते सदा, एक तसल्ली भरोसा सुकून आप हो।
तसल्ली भरोसा सुकून आप हो। और इसके पश्चात अनिता दीदी, आपने जो मेरे स्वागत में मेरी ही लिखी पंक्तियां प्रस्तुत की थी कि किसी नीरी पशु की मासूम सी आवाज बना देना, उसी की मैं दो बंद प्रस्तुत करूंगी कि किसी बिल्कुल नीरी स्वागत, पशु बिल्कुल की स्वागत। मासूम सी आवाज बना देना। इस कविता का मैंने जो शीर्षक रखा है वो है ख्वाहिश, कि मैं मेरी क्या ख्वाहिश है मनुष्य मात्र के प्रति और पशु और प्रकृति के प्रति। किसी निरी पशु की मासूम आवाज बना देना, वो देखे मुझे अपना समझकर ऐसा मेरा अंदाज बना देना। और ख्वाहिश नहीं कि आसमां को बाहों में भर पाऊं, बस मुझे किसी प्यारे परिंदे की परवाज बना देना। किसी धुंधली आंख की बस एक रोज की रोशनी बन पाऊं, गालों पर ढलके आंसू भी हंस दें, ऐसी खुशी बन पाऊं। ख्वाहिश नहीं कि तूफान में गरजता समंदर हो पाऊं, मुझे किसी डगमगाती कश्ती की पतवार बना देना, किसी क्या बात, डगमगाती कश्ती की पतवार बना देना। फैलती फैली फैली हथेली में अरमानों का चमकता सिक्का बना देना, फैली क्या बात, हथेली में क्या बात, अरमानों का चमकता सिक्का बना देना, चमकीली पन्नी में छिपा हसरतों का तोहफा बना देना। ख्वाहिश नहीं कि इबारत लिखी इमारत बन पाऊं, ख्वाहिश नहीं कि इबारत की लिखी बात। इमारत बन पाऊं, नन्हे हाथों से तराशा सागर किनारे का घरौंदा बना देना, नन्हे हाथों से बहुत तराशा सागर किनारे का घरौंदा बना देना। और इस सुपर रचना के बाद सुपर, में, बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। अब मैं कुछ भावों को चेंज करती हूँ और मैं प्रेम भाव से परिचित एक, आप थोड़ा सा अपना बंद करो, मैं आपको समय सुनाऊंगी। बाकी बहुत सुंदर सुंदर है। नीता जी लिख रही है कि बहुत सुंदर। शबनम गाजीपुरी लिख रहे हैं खूब बहुत खूब बधाई। और कमलेश द्विवेदी जी लिख रहे हैं कि मन विभोर उठा आपको सुनकर दीपा जी। और वही लिख रहे हैं वापस कि मेरे बचपन के हर याद में साथ हो, बहुत अच्छा कहा है पिता के लिए। बहुत बहुत बधाई दीपा पंत जी। तारा दीक्षित जी लिख रही है बहुत अच्छा स्वर, बहुत अच्छी रचना। और मंगल कुमार जैन जी लिख रहे हैं कि आपका प्रेरक व्यक्तित्व अनुकरणीय है। और दीपा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं मंगल जी। और नीता जोशी जी लिख रही सागर किनारे का गरुंदा बना देना, बहुत खूब। और देवयानी जोशी जुड़ी हुई है। अच्छा वो गुड़िया है ना शायद, देवयानी जोशी, तो वो भी वो बड़े सुंदर सुंदर वो उनके डॉगी का इनका वो चित्र बना के बड़ी सुंदरता से वो कह रही है, बहुत क्यूट, सो क्यूट। मेरी तरफ से बहुत प्यार देना उनको। और शिवांगी लोहमी जी जुड़ी हुई है, बहुत सुंदर रचना दीपा पन जी। तो उत्तराखंड से भी जुड़े हैं आपके साथ लोग, बिल्कुल बहुत सुंदर। नाम पढ़ने में लग बहुत गए बहुत अनिता जी। धन्यवाद अनिता जी। बिल्कुल मैंने सभी बिल्कुल को बोला कि मुझे जुड़ना नहीं, पड़ेगा। बिल्कुल अपना अपना ये ये विश्व कीर्तिमान ये भी कीर्तिमान ये भी बनाएगा, बनाएगा। और पता है एक तो अनिता बच्चे जी, गए मैं तो ना दूसरा बनेगा हमारा। सबको जैसे हम सुन रहे हैं तो, लेकिन हम लोग केवल अपने काव्य पाठ में ही अभी ऑन स्टेज है। लेकिन मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि, और आपकी सराहना करती हूँ कि आप इतने घंटों से यहाँ बैठ करके हम सभी को बांधे हुए हैं और जितना अपनी मुस्कान बिखेर हमें कर। और नया हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपको बहुत बहुत आभार। इसी के स्वागत। साथ मैं एक प्रेम भाव से परिपूर्ण गीत प्रस्तुत करती हूँ। इस गीत का भाव कुछ यूं है कि प्रेम करने वालों की बेबसी तब बढ़ जाती है जब उसके जज्बात वो ही नहीं समझता जिससे वो प्रेम करता है। तो इसमें मैंने जो प्रतिमान लिया है वो चांद का प्रतिमान लिया है, कि चांद प्रेम करता है धरती को और ये बात वो धरती नहीं समझ बिल्कुल पाती है। सुनिएगा। ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन, तारों का आसमां मौन सजता रहा, तारों का आसमां मौन सजता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन, जग शरद सोच कर बस नहाता रहा। चांदनी रात में हम सोचते हैं कि शरद ऋतु का चंद्रमा है सबसे सुंदर होता है,
तो जग शरद सोच कर बस नहाता रहा, दर्द बूंदों में ढल के पिघलता रहा, दर्द बूंदों में ढल के पिघलता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन। सहचरी चांदनी सब समझती रही, सहचरी चांदनी सब समझती रही, टूट कर बिखरी वो जग चमकता रहा, टूट कर बिखरी वो जग चमकता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन। ईद 14 और दूजों का अरमां रहा, ईद 14 और दूजों का अरमां रहा, करवा चौथों के थालों में सजता सजता रहा, करवा चौथों के थालों में सजता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन। फिर प्रणय की घड़ी शाम दुल्हन बनी, फिर बात है, प्रणय की घड़ी शाम दुल्हन बनी, चांद चेहरे की उपमा में ढलता रहा, चांद चेहरे की उपमा में ढलता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन। बहुत भोर की प्रीत में रजनी समझी कहाँ, भोर की प्रीत में रजनी समझी कहाँ, चांद दिल में ही एक ख्वाब पलता रहा, चांद दिल में ही एक ख्वाब पलता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन। और अंतिम बंद है, सुंदर। शहर से शब हुई थक गया घट गया, क्या शहर बात से शब हुई थक गया घट गया, रिवाज सदियों का था फिर निकलता रहा, रिवाज सदियों का बात था फिर निकलता रहा, ढूंढता फिर रहा चांद अपनी जमीन। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी, आप वाह वाह करती हैं तो इतना उत्साह वर्धन हो जाता है। आपको मैं और उत्साह वर्धन कराती हूँ। अपना वर्धन कराते बंद कीजिए माइक, माइक बंद कीजिए, कर दिया ना। अभी बहुत जने आपके कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति, देवयानी जोशी लिख रही है बहुत अच्छे, दीपा जी, शिवांगी लिख रही है वाह दीपा जी, और आपकी इस खनकती मधुर आवाज के तो दीवाने हैं सभी लोग वैसे भी। और तारा दीक्षित जी मेरी तारीफ कर रही है, तारा जी आपका आशीर्वाद है कि बस हम ऐसे आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद अमृता जी बहुत सुंदर प्रस्तुति, दीपा जी अपनी जमी बहुत सुंदर, सचमुच बहुत सुंदर गीत है। ज्योति पुंजी लिख रहे हैं दीपा जी के लिए कि अपनी जमी बहुत सुंदर सुमधुर गीत है। और जोशी जी पटल पर ताली का भी विकल्प होना चाहिए। कमलेश कुमार जी दीवान लिख रहे हैं कि पटल पर ताली का नहीं, मुशायरे में वाह वाह चलती है, ताली की जरूरत नहीं है। आप इशारे से ताली बजाइए बस। और कोई सुंदर मैं सुंदर आप सबकी तरफ से मैं तालियां बजा देता हूं। और आज अच्छा आपके बर्थडे भी है दीपा जी आज। माइक आपका, माइक मेरी कल है, कल मतलब 12 बजे कल शुरू है हो तो, कल जाएगी। है तो, अच्छा तो आपके लिए बर्थडे विशेष भी आई है, मृणाली लोगों ने लिखा है। तो ओके अच्छा, बस हमारी तो बस तरफ से भी हमारी आपको तरफ बहुत से बहुत, आपको बहुत बहुत 4 पंक्तियां मैं चार आपको पंक्तियां मैं समर्पित आपको करती हूँ। समर्पित जी, माइक आपका बंद माइक कीजिए आपका बंद कीजिए। कि आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो, आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो, आंखें आपकी कभी नम ना हो, आपको मिले जिंदगी की हर खुशी भले ही उस खुशी में हम ना हो। तो बहुत बहुत जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और अब आप अपना और अब अग्नि आप रचना अपना बंद अग्नि रचना। कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी, शायद आपने आप ही जिन्होंने मुझे सबसे पहले विश किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। एक मैं रचना प्रस्तुत करती हूँ, अरे वाह, जिसमें जो जिसमें कि प्रेम भाव ही है। अपनी हाथों की लकीरों को जो मैंने दिखाया,
अपनी हाथों की लकीरों को जो मैंने दिखाया, तू नहीं है कहीं भी उसमें, ये किसी ने बताया। अच्छा गर लकीरों के बदलने से ही मेरी किस्मत बन जाए तू, तो तेरे नाम की लकीर उकेर कर उसे सबसे गहरा कर दूं, क्या बात या है, फिर वाह तू ही मुझे अपनी तकदीर बना ले, या फिर तू ही मुझे अपनी तकदीर बना ले, हम दोनों को ही आए नजर ऐसी तस्वीर बना दे, छुपा ले मुझे अपनी पलकों में, बस तुझे नजर आऊं मैं, छुपा ले मुझे अपनी पलकों में, बस तुझे नजर आऊं मैं, तेरी सांसों को महसूस करूं, तेरी धड़कन सुन पाऊं मैं। क्या बात है, बहुत तू सुंदर। अब तो अपनी चाहत की मेहरबानी कर दे, बस मैं और आसमां उसके दरमियां तू खुद को भर दे, आ थाम ले मुझे, संभाल ले मुझे, टूटा ही सही मुझे सितारे सा कर दे, तुझ में समा जाऊं वो नदी बना दे मुझे, तुझ में समा जाऊं वो नदी बना दे मुझे, या तू हो जा समंदर मुझे अपने किनारे सा कर दे। क्या बात है। किसी कविता की आखिरी छंद की तरह, किसी कविता के आखिरी छंद की तरह अब तो पूरा कर दे मुझे, या कोई पढ़कर भी समझ ना पाए इतना अधूरा कर दे मुझे, कोई क्या पढ़कर बात भी है, क्या समझ ना बात पाए है, क्या बात इतना अधूरा कर दे है, मुझे। अधूरा भी होना चाहता है आपकी कविता। दीपा प्लीज मन कीजिए दीपा जी, आपके लिए जी थोड़ा आपके कमेंट लिए इतने, करने का मन हो रहा है, और इतना पहली बार किसी ने ये सुना कि इतना अधूरा कर दे मुझे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूरा होना तो हर कोई चाहता है, पर अधूरा होना भी कोई चाहता है। और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट है आपके लिए कि उत्तराखंड की आवाज बननी चाहिए आपकी। आपके आवाज के लिए लिख रहे हैं कि उत्तराखंड की गूंज विश्व पटल पर गूंजे, इस शुभकामना के साथ जन्मदिन के अग्रिम बधाई। पल्लवी नोटियाल जी आपको बधाई दे रही है, शायद वो भी उत्तराखंड की है। और नीता जी लिख रही है बहुत सुंदर, और बहुत सारे कमेंट है आपके लिए। भाई बहन के पास अच्छे अच्छे कमेंट से शायद ऊपर नीचे चले गए, पर बहुत सुंदर रचना थी आपकी ये वाली, बहुत प्यारी रचना थी। अबे आप एक अंतिम रचना आपकी सुनाइए, और उसके बाद हम अगली कवित्री को लेंगे जो कि अंतिम है। और और आपकी आपकी ये साहित्य ये साधना साहित्य नजर आ रही है, साधन, जो साहित्य साधिकाओं का जो ये रचना पर्व है, आपकी साधना आपकी रचनाओं में बिल्कुल नजर आ रही है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपको उत्साहवर्धन के लिए, और सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और अंतिम रचना के रूप में मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगी स्वागत जिसमें देश के प्रति समर्पित हो जाने की कामना की गई है, और सभी लोग जो मेरा जन्मदिवस का पता चलने के बाद में मुझे जन्मदिवस की बधाई दे रहे हैं उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। कभी मैंने सोचा नहीं था कि मेरा इस बार का जन्मदिवस ऐसा जाएगा कि मुझे इतने सारे कमेंट्स वो भी ऑनलाइन मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और इसी के बिल्कुल। साथ मैं अपना गीत प्रस्तुत करती हूँ। हे ईश मनुज ही अमे तप ओज तेज भर दो, हे ईश मनुज ही अमे तप ओज तेज भर दो, बने एक शक्ति भारत वो देव भाव कर दो, हे ईश मनुज ही अमे तप ओज तेज भर दो, भाषा के झगड़े न हो, मजहब की दीवार न हो, ये जात पात से बनी अंतस में दरार न हो, संतान भरत भू हम सौहार्द मन में भर दो, हे ईश मनुज ही अमे तपोज तेज भर दो, ये वृक्ष पवन सूरज चंदा ये गगन तारे, नहीं भेद करती सृष्टि सबके हित ये सारे, है
सम भाव हृदय भर दो, हे ईश मनुज ही हमें तप ओज तेज भर दो। और अंतिम बंद है, निज राष्ट्र कीर्ति हम सब सर्वस्व करें अर्पण, ये प्राण धरा है तू ले मिल कर आज ये प्रण, वो अमित पराक्रम बल हर जन मन में भर दो, हे ईश मनुज ही हमें तप ओज तेज भर दो। इस रचना के साथ ही मैं अब आप सभी से विदा लेती हूँ। अनीता जी का हार्दिक धन्यवाद, मुझे सुन रहे देख रहे सभी जनों का हार्दिक आभार, और एन चंद्रम पटल का हार्दिक आभार। अभी जाना मत, एक बार म्यूट कीजिए। मैं इस गीत के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इतना उत्तम गीत आपने रचा है, ये कभी ना कभी कोर्स में आएगा, आगे पीछे बच्चों की जो प्रार्थनाएं आती है फर्स्ट पेज पे, हो सकता है ये कभी ना कभी सेलेक्ट होगा वहां पे, आगे तक जाएगा, और वास्तव में जाना भी चाहिए। मैं इसकी प्रशंसा करती हूँ कि ये बच्चों को, हर बच्चों को इसको पढ़ना चाहिए। बहुत सुंदर भाव और उच्चतम भाव और सशक्त शब्दों का आपने चयन किया है, बहुत सुंदर। आपके अंतिम रचना बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और इतने सुंदर शब्दों के साथ में हौसला अफजाई करने के लिए। और स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है अशोक मंथन जी, ज्योति कुंज, किरण वाला जी के मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और इस पटल का मैं बहुत बहुत आभार एक बार पुनः व्यक्त करना चाहती हूँ, एन चंद्रा जी से मैं स्वागत करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, हाँ अशोक जी का नाम लेना, वो मुझे कमेंट में दिख रहा था, कमलेश कुमार दीवान जी के बहुत बार बार कमेंट आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सुनने के लिए। जी बहुत सुंदर आपका काव्य पाठ, प्रसन्न हो गया मन, जो ऊंचाई हमको मिली ना, बस ये ऊंचाई पे बस, और आगे ले जाने वाली है। थैंक यू, थैंक यू।